सबसे पहले बात कर लेते हैं डील आपको कहां पर से मिलेगी, कब तक देखने को मिलेगी। तो ये डील आपको देखने को मिलेगी अमेजोन के दशहरा सेल में, जो कि 7 अक्टूबर तक के चलने वाला है। लेकिन ये डील या बोल सकते हो प्राइस पॉइंट कभी भी इंक्रीज हो सकता है। तो अगर आपको ये डील पसंद आती है, डेफिनेटली वीडियो देखने के बाद आप डील को ग्रैब जल्दी से कर लेना। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी M53 5G स्मार्टफोन, जो 26,500 रुपए में कुछ महीने पहले लॉन्च हुआ था, आज के दिन में 18,000 रुपए में आप कैसे ले पाओगे। तो ईजी ऑफर है। सबसे पहले तो आपको बता दूं, यहाँ पर जो Amazon का क्रेडिट एंड फेस्टिवल सेल या बोल सकते हो दशहरा सेल चल, तो इसका जो सेल प्राइस पॉइंट है, मतलब जो डायरेक्टली प्राइस पॉइंट Amazon के सेल में वो आपको रखा गया है 698 के लिए, यहां पर 22,000 रुपए, मतलब 26,500 में लॉन्च हुआ था, 4,500 रुपए का डायरेक्ट डिस्काउंट मिलके आपको मिल रहा है 22,000 रुपए में। इसके साथ में आपको दो यहां पर कंडीशन है, मतलब आप बोल सकते हो दो ऑफर लगा सकते हो। पहले ऑफर की अगर हम बात करें, जो कि हर कोई ले सकता है, मतलब कोई भी कार्ड से, आप ATM कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, कोई भी बैंक का हो, अगर आप उससे डायरेक्टली पेमेंट करके लेते हो, ऑल बैंक कार्ड पर डिस्काउंट है, 2,000 रुपए का फ्लैट डिस्काउंट, वो कंडीशन में अगर आप जाओगे तो ये स्मार्टफोन आपको मिलेगा सिर्फ 20,000 रुपए में। एंड अगर आपके पास में सिटी बैंक का क्रेडिट कार्ड है, उससे पेमेंट करके लेते हो, 4,000 रुपए का फ्लैट डिस्काउंट है। तो कोई भी अगर आपको ऑफर लेना है, तो 2,000 वाला तो आप लोग के लिए है, लेकिन सिटी बैंक के क्रेडिट कार्ड का जुगाड़ लगा के लोगे, आपको पड़ेगा ये स्मार्टफोन 18,000 रुपए में। अब क्या 18,000 रुपए में लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, मैं बोलूंगा डेफिनेटली लेना चाहिए। सबसे पहली बात, सैमसंग की ब्रांड वैल्यू तो आपको देखने को मिलेगी, डिजाइन भी आपको अच्छा सी देखने को मिल जाता है, साथ ही में 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट के साथ में एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है, एंड वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले कहूंगा 18,000 रुपए की रेट में। 6GB की रैम, 128GB की स्टोरेज है, डायमेंसिटी 900 5G की, यहां पर आपको तगड़ी परफॉर्मेंस मिल जाती है, अच्छे खासे 5G बैंड भी दिए गए, तो वहां पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। 108 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरे का सेटअप है, सेल्फी कैमरा भी मैं कहूंगा डिसेंट है, तो कैमरे में भी आपको एज सच कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, सेंसर्स में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करा गया है, साथ ही में 5000mAh बैटरी, 25W की फास्ट चार्जिंग को डिवाइस सपोर्ट करता है, चार्जर आपको अलग से लेना पड़ेगा, डब्बे में आपको देखने को नहीं मिलता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, फोन काफी जबरदस्त है इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, कैमरा, यूआई भी आपको वन यूआई देखने को मिल जाता है, नॉक सिक्योरिटी में तो वहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है। कमी मुझे स्मार्टफोन पर सिर्फ दो लगती है। पहली बात क्या, डब्बे में चार्जर नहीं देते। मेरे हिसाब से हर एक ब्रांड को हर एक फोन में डब्बे में चार्जर देना ही चाहिए, चाहे वो 10 वॉट का चार्जिंग क्यों ना सपोर्ट करे, यानी तो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है सैमसंग, एप्पल, गूगल हो गया, या रियलमी के भी कुछ स्मार्टफोन पे नहीं आ रहा, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर रहना चाहिए। इसी के साथ में यहाँ पर आपको 3.5 हेडफोन जैक का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है, एंड यहाँ पर आपको सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर यहाँ पर दिया गया है। तो ये दो कौन को अगर आप इग्नोर कर देते हो, एंड आपका 18,000 रुपए के आसपास का बजट है, कोई सॉलिड 5G तगड़ा ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए, डेफिनेटली इसकी तरफ आप देख सकते हो। 26,500 रुपए में जब लॉन्च हुआ था, मैंने आपको रिकमेंड नहीं किया था, मैंने बोला था स्किप कर दो क्योंकि काफी ज्यादा ओवर प्राइस लग रहा था, लेकिन फॉर अराउंड 18,000 रुपीज Absolutely great deal है, definitely इसकी तरफ आप देख सकते हो। वैसे कैसा है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, Samsung Galaxy M53 5G at 18,000 रुपीस डील आपको कैसी लगी, क्या आपने ऑलरेडी ये डील को ग्राब कर चुके हो, वीडियो देखने के बाद करने वाले हो, ये डील को लेके कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेरीज है, मुझे पूछ लेना नीचे कमेंट्स में। होगी एंड कैसे अगर आपको पसंद आए तो लाइक करे, शेयर करे, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।